दोस्तों, कई भाषाओं, कई धर्मों, कई संस्कृतियों और कई मान्यताओं से मिलकर बनता है हमारा भारत। जिस तरह हमारे भारत में भगवान शिव को कई रूपों एवं भाषाओं में पुकारते एवं पूजते हैं, उसी तरह हिंदू धर्म में कई ऐसे देवी देवता हैं जिन्हें हम किसी और भाषा में पुकारते हैं और साउथ के लोग किसी और भाषा में पुकारते हैं। जैसे महादेव के ज्येष्ठ पुत्र भगवान कार्तिकेय को मुरुगन देव और भगवान कृष्ण को गोविंदा कहते हैं। कई ऐसे देवी देवता हैं जिन्हें हम जानते नहीं, परंतु साउथ में वे पूरे वैभव के साथ पूजे जाते हैं। हमें अपने धर्म और संस्कृति को पूर्ण रूप से समझने की जरूरत है। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले ही कन्नड़ सिनेमा से एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कंटारा। इस फिल्म ने अपने धर्म और कल्चर के गौरव को दर्शाया है। एक तरफ बॉलीवुड है जिसमें कई बार हिंदुओं का उपहास उड़ाया गया। दोस्तों, लक्ष्मी बॉम्ब जो कि मूल फिल्म कंचना की रीमेक थी, कंचना फिल्म का नायक एक हिंदू था, जबकि इसकी रीमेक में उसे जानबूझकर मुस्लिम बना दिया गया और सारी फिल्म में हिंदुओं का उपहास उड़ाया गया और मुस्लिम को बेहतर बताने की कोशिश की गई। मूल फिल्म का राघव जब आसिफ में बदल गया, तब जाहिर हो गया कि निर्माताओं की निगाहें कहाँ हैं और निशाना कहाँ पर। दोस्तों, जब कन्नड़ फिल्म कंटारा रिलीज हुई तो लोग अपने आप को, अपनी संस्कृति को इस फिल्म से जोड़कर देखने लगे और वे बढ़ चढ़कर थिएटर्स में इस फिल्म की सराहना करने लगे। फिर विश्व स्तर पर इस फिल्म को प्रसिद्धि मिली और खूब वाहवाहियां बटोरी। क्या आपने ये फिल्म देखी है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगर देखी है तो आपने इस फिल्म में गुलिगा देव का नाम अवश्य सुना होगा। दोस्तों, इस फिल्म के रिलीज होने के पहले क्या आपने इन देव के बारे में सुना था और इस फिल्म में दिखाए गए वराह का कैलाश पर्वत से क्या कनेक्शन है? क्या आप जानते हैं, फिल्म में तो सिर्फ दो ही देव के बारे में बताया गया है, लेकिन क्या आपको पता है कि कन्नड़ में कई और देव भी हैं जिनके बारे में आप अभी भी नहीं जानते हैं? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मुझे यकीन है कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से हर हर महादेव अवश्य लिखिए। मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक और चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों में भगवान शिव को कैलाश पर्वत का स्वामी माना जाता है। मान्यता है कि महादेव अपने पूरे परिवार और अन्य समस्त देवी देवताओं के साथ कैलाश पर्वत में रहते हैं। दरअसल पौराणिक कथाओं में ऐसी कई घटनाओं के बारे में बताया गया है जिनमें कई बार असुरों और नकारात्मक शक्तियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करके इसे भगवान से छीनने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी मंशा कभी भी पूरी नहीं हो सकी। आज भी यह बात उतनी ही सच है जितनी पौराणिक काल में थी। भले ही दुनिया भर के पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुके होंगे, लेकिन कोई भी आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। तो दोस्तों, चलिए पहले मैं आपको पंजुर्ली देव और कैलाश पर्वत का रहस्य बताता हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक वराह के 5 पुत्र हुए, किंतु उनमें एक नवजात बच्चा पीछे छूट गया। वो भूख प्यास से तड़पने लगा और मृत्यु के कगार पर आ खड़ा हुआ। उसी समय माता पार्वती वहाँ भ्रमण करते हुए आई। जब उन्होंने एक नवजात वराह शिशु को देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई और वे उसे लेकर कैलाश पर्वत पर आ गईं। वहाँ वो अपने पुत्र की ही भांति उसका पालन करने लगी। समय बीता और उस बच्चे ने एक विकराल वराह का रूप ले लिया। समय के साथ उसके बड़े बड़े दांत निकल आए जिससे उसे बड़ी परेशानी होने लगी। उस खुजलाहट से बचने के लिए वो कैलाश पर लगी सारी फसलों को नष्ट करने लगा। इससे संसार में भोजन की कमी हो गई और लोग भूख से त्रस्त हो गए। जब भगवान शंकर ने ये देखा तो उन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए उस वराह के वध का निश्चय किया। जब माता पार्वती को ये पता चला तो उन्होंने महादेव से उसके प्राण न लेने की प्रार्थना की। माता की प्रार्थना पर महादेव ने उसका वध तो नहीं किया, लेकिन उसे कैलाश से निष्कासित कर पृथ्वी पर जाने का श्राप दे दिया। अपनी प्राण रक्षा के बाद उस वराह ने महादेव और माता पार्वती की अभ्यर्थना की और तब महादेव ने उसे एक दिव्य शक्ति के रूप में पृथ्वी पर जाने और वहाँ पर मनुष्यों और उनकी फसलों की रक्षा करने का आदेश दिया। दोस्तों, तब से वो वराह पृथ्वी पर पंजुर्ली देव के रूप में निवास करने लगे और पृथ्वी पर फसलों की रक्षा करने लगे। इसी कारण लोगों ने
इन्हें देवता की भांति पूजना आरंभ कर दिया। दोस्तों पंजुर्ली शब्द वास्तव में एक तुलु शब्द है जो कि पंजीदा कुर्ले का अपभ्रंश है। तुलु भाषा में इसका अर्थ होता है युवा वराह। ये कुछ कुछ भगवान विष्णु के वराह अवतार की ही तरह है। तुलु लोगों में जिन्हें तमिलनाडु कहा जाता है, पंजुर्ली देव सबसे प्राचीन देवताओं में से एक है। ऐसी मान्यता है कि जब पहली बार पृथ्वी पर अन्न की उत्पत्ति हुई उसी समय पंजुर्ली देव पृथ्वी पर आए, अर्थात मानव सभ्यता के आरंभ में। दोस्तों कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि जब मनुष्यों ने खेती करना सीखा तो उस समय जंगली सुअर अपना पेट भरने के लिए उनकी फसल को खा जाते थे। उन्होंने इसे दैवीय शक्ति समझ लिया और वराह रूपी पंजुर्ली देव की उपासना करना आरंभ कर दिया ताकि वे उनकी फसलों की रक्षा कर सकें। तब से ही पंजुर्ली देव की पूजा हो रही है। दोस्तों पंजुर्ली देव की पूजा में पंजुर्ली देव के समक्ष एक बेहद प्राचीन नृत्य किया जाता है जिसे भूता कोला कहते हैं। कोला का अर्थ तुलु भाषा में नृत्य होता है और भूता इस नृत्य का एक प्रकार है। भूता कोला की ही भांति और भी कई तरह के नृत्य होते हैं। ये नृत्य बहुत देर तक चलता है और जब नृत्य करने वाला व्यक्ति थक जाता है तब लोग उस अन्न को पंजुर्ली देव को समर्पित कर देते हैं। ये एक प्रकार से उनसे अपनी फसलों की रक्षा के लिए की गई प्रार्थना होती है। एक बार माता पार्वती महादेव के लिए भस्म लाई। उस भस्म में कंकड़ था जिसे भोलेनाथ ने पृथ्वी पर फेंक दिया। उसी कंकड़ से गुलिका देव अपने उग्र रूप में जन्मे। उन्होंने महादेव से पूछा कि मैं कहाँ जाऊँ। इस पर भोलेनाथ ने भगवान विष्णु के पास भेज दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें पृथ्वी पर नेना उल्ला संके के गर्भ में भेज दिया। दोस्तों 9 माह के पश्चात गुलिका देव ने अपनी माँ से पूछा कि वे किस मार्ग से बाहर आए। उनकी माता ने कहा कि जिस मार्ग से सभी संतान बाहर आती हैं, उसी मार्ग से आ जाओ। पर गुलिका देव ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी माता का उदर फाड़ डाला और उसी से बाहर निकले। वे अत्यंत भूखे थे इसीलिए वे कुछ खाने को ढूंढने लगे। उन्हें इतनी भूख लगी थी कि उन्होंने सूर्य को खाने का प्रयास किया। फिर उन्होंने मछलियाँ खाई और कुछ जानवरों का खून पिया, किंतु इससे भी उनकी क्षुधा शांत नहीं हुई। अंततः भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी छोटी उंगली खाने को दी जिससे उनकी क्षुधा शांत हुई। दोस्तों गुलिका देव को शिवगणों में से एक माना जाता है और इन्हें क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। एक कथा के अनुसार पंजुर्ली देव और गुलिका देव में एक बार युद्ध हुआ जो बहुत दिन तक चला। तब माँ दुर्गा ने उस युद्ध को बंद करवाया और उन दोनों को एक साथ रहने की आज्ञा दी। इसी कारण आज भी पंजुर्ली देव और गुलिका देव को एक साथ पूजा जाता है। जहाँ पंजुर्ली देव सौम्य स्वरूप के हैं, वहीं गुलिका देव उग्र स्वरूप के हैं, फिर भी दोनों एक साथ रहते हैं। दोस्तों पंजुर्ली देव और गुलिका देव के अतिरिक्त और भी कई ऐसे अन्य देव हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते। इनमें से कुछ प्रमुख हैं कल्लूर्ति, ब्रह्मेरु, जुमाड़ी, पंच जुमाड़ी, कुप्पे पंजुर्ली, रक्त पंजुर्ली, कुराथी, सीरी इत्यादि। तो मित्रों ये था हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। खैर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।